A very good morning to all of you and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning. If you are an aspirant who is preparing for competitive exams like UPSC, HAS, Allied Services, SSC, and Banking, then join CPS classes today and feel the real difference of preparation. Moving towards the most important current affairs of 26th November 2021. And here are some important topics for our today's session: these are international appointments. स्टेट इन न्यूज़ फाइनेंशियल अफेयर्स इंटरनेशनल रेटिंग्स अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पोर्टेंट डेज सो हेयर इट इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन स्क्रीन नाउ हैज बीन री रीअपॉइंटेड एज सूडान्स प्राइम मिनिस्टर जी हाँ पूछा गया है दोबारा किसे जो है सूडान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है री अपॉइंट किया गया है एंड द करेक्ट ऑपन इज़ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला हमदोक जी हाँ इनको जो है दोबारा रीअपॉइंट किया गया है और एक मिलिट्री और जो है गोरमेंट के बीच में काफ़ी टसल चल रही थी ये और इस टसल को एक एग्रीमेंट के साथ जो है ख़त्म किया गया है ये जानते हैं कुछ उसके बारे में सो डांस रिमूट प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक वॉज री अपॉइंटेड आफ्टर साइनिंग अ पोलिटिकल डिकलरेशन एट टू द एंड ऑफ करंट पोलिटिकल क्राइसिस बाई हमदोक एंड अब्देल फतेह अल बुरहान जो कि जनरल कमांडर हैं सूडान की आर्मी के इनके बीच में जो है एक टसल चल रही थी जिसे एक एग्रीमेंट के साथ ख़त्म किया गया है बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो है ये हम दो वर्क फॉर द यू इकोनॉमिक कमीशन इन्होंने जो है यू इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका के लिए काम किया है इससे पहले इन्होंने अफ्रीकन डेवलपमेंट यानी ए में भी जो है काम किया है एंड आल्सो ही वाज अ स्पेशल एडवाइज़र टू द ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इथोपिया बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ लक्षित दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फोर्थ नवंबर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स जी हाँ पूछा गया किस राज्य के द्वारा जो है चौबीस नवंबर को हर वर्ष जो है लक्षित दिवस के रूप में मनाया जाता है एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए असम जी हाँ असम जो है राज्य हर बार जो है चौबीस नवंबर को लक्षित दिवस के रूप में मनाता है आइए जानते हैं क्यों लचित दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द इंडियन स्टेट ऑफ असम ऑन नवंबर 24 फोर्थ टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी अहोम आर्मी जनरल लचित बोरफुकान जी हाँ एक आर्मी होती थी जो है असम की बहुत पहले नाइन अराउंडीन ट्वेंटी टू के सॉरी के अराउंड तो जो इसके जनरल थे जिनका नाम था लचित बोरफुकान ये बहुत ही जो एक आर्मी में जो है बहुत ही इंटेलिजेंट जो है बैटल इन्होंने लड़ी थी सराय घाट की तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जो है लचित

आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल ट्रेड एमर्ज फॉर एन इंडियन एक्सपोर्टर्स एडर्स टू तो ऑफर देम डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडिड सर्विसेज जी हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप जो है एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स करते हैं और आपको आउट ऑफ कंट्री पेमेंट करनी पड़ती है या पेमेंट रिसीव करनी पड़ती है तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉन्ग प्रोसेस टू तो उसी के लिए जो है आईसीआईसीआई बैंक ने एक प्लेटफॉर्म को शुरू किया ट्रेड एमर्ज टू मेक दैट ट्रांसफर्स ईजी द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड विल बिकम हेजल फ्री इससे जो है क्रॉस बॉर्डर यानी क्रॉस कंट्री जो आप अमाउंट uh, का ट्रांसफ़र करते हैं वो बहुत ईजी हो जाएगा कन्वीनियंट हो जाएगा एंड ऑल्सो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस स्कीम को जो है का फ़ायदा उठाने के लिए आपको आई सी आई सी आई का ही मेम्बर होना जरूरी है यू डजेंट नीड अकाउंट इन आई सी आई सी आई बैंक यू कैन ऑल्सो अवेल द प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म विदाउट बींग एन अकाउंट इन आई सी आई सी आई बैंक यानी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो खाता है आप एक खाता धारक हो आई सी आई सी आई बैंक के आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं अगर आपका खाता जो है आई सी आई सी आई में नहीं भी है तो भी चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ई ए सी पी एम प्रोजेक्टेड इंडियाज़ जी डी पी ग्रोथ एट वट परसेंट इन फिजिकल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जी हाँ पूछा गया है ई ए सी जो प्रधानमंत्री की एक टीम है जिसको जो है हर वर्ष जो ये है एक रेटिंग्स जारी करती है जो है प्रोजेक्ट करती है हमारी ग्रोथ को हमारे जो है भारत की जो जीडीपी है उसको उसकी ग्रोथ को जो है ये कंक्लूड करते हैं पूछा गया इस वर्ष इन्होंने क्या जो है प्रोजेक्शन लगाई है भारत की 2023 के लिए कि भारत की जो जीडीपी है वो किस रेट से ग्रो करेगी एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड इज़ ऑप्शन नंबर ए बिटवीन सेवन टू सेवन पॉइंट फाइव परसेंट जी हाँ द मीटिंग ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ई ए सी पी एम मेम्बर्स हैज़ हेल्ड इन न्यू डेली जो है न्यू डेली में इनकी एक मीटिंग हुई थी एंड टू एग्जामिन द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू 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 थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जी हाँ दो हज़ार बाईस से तेईस के बीच में जो है एग्जामिन करना था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या जी डी पी है वो किस रेट से ग्रो करेगी एंड देयर प्रोजेक्शन इज बिटवीन सेवन टू सेवन पॉइंट फाइव परसेंट चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दी ट्वेंटी चलिए पूछा गया है दो हजार इक्कीस इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स जो इस बार फोर्टी नाइन्थ एडिशन था उसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला एंड द करेक्ट ऑप्शन नंबर ए डेविड टेनेंट जी हाँ डेविड टेनेंट को जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड है चलिए जानते हैं बाकी सभी अवार्ड्स के बारे में जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से बहुत इम्पोर्टेंट है एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज़ टू डेविड टेनेंट फॉर द मूवी डेज ही बिलोंग्स फ्रॉम यू के एंड बेस्ट एक्ट्रेस गोज़ टू हैज हैले स्क्स फॉर द मूवी अडल्ट मटीरियल सी इज़ ऑल्सो फ्राम यूनाइटेड किंगडम बेस्ट ड्रामा सीरीज़ गोज़ टू तेहरान फ्राम इज़राइल बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ ल माई एजेंट सीजन फोर फ्रॉम फ्रांस बेस्ट डॉक्यूमेंट्री होप फ्रोजन क्वेस्ट टू लीव ट फ्राम थाईलैंड बेस्ट टेलोनोविलिया द सॉन्ग ऑफ ग्लोरी चाइना एंड बेस्ट टी वी मूवी और मिनी सीरीज इज एटलांटिक क्रॉसिंग फ्रॉम नॉर्वे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दूरदर्शन एंड विच इंडियन रेडियो शो वॉन एट यूनेस्को अबू पीस मीडिया अवार्ड 2021 जी हां दूरदर्शन और दूसरा कौन सा रेडियो चैनल है जिसे इस वर्ष 2021 में अबू पीस मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑल इंडिया रेडियो जी हां दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को जो है काफ़ी सम्मानित किया गया अबू पीस मीडिया अवार्ड्स दो में एंड दूरदर्शन एंड रेडियो शो ऑल इंडिया रेडियो हैज़ रिसिव्ड मल्टीपल अवार्ड्स एट ए बी यू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी न एट कोलामपुर इन मलेशिया द अर्ड वर गि बाई यूनेस्को इन कोलेब्रेशन विद एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अंडर दट टुगेदर फॉर पीस एंड इनिशियटिव एथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर अवार्ड ए आई आर लिविंग ऑन द एच द कोस्टल लाइफ जी हाँ ये जो है यूनेस्को ने कोलाब्रेशन में एशिया पैसेफिक ब्रोडकास्टिंग यूनियन के साथ मिलकर जो है इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बी ओ बी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया एन पी सी आई फॉर विच क्रेडिट कार्ड जी हाँ बी ओ बी ने अभी जो है एन पी सी आई के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने की जो है स्कीम जारी की है तो पूछा गया ये कौन सा क्रेडिट कार्ड है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी रूपे क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सोल्यूशन सब्सिडरी बैंक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा हैज पार्टनर्ड विद द बैंक नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च बी ओ बी क्रेडिट कार्ड ईजी एंड प्रीमियम वेरियंट्स ऑन द रूपे प्लेटफॉर्म बोथ ईजी एंड प्रीमियर वेरियंट्स ऑफ बी ओ बी क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन लॉन्च्ड ऑन द जे सी बी इंटरनेशनल नेटवर्क इन दोनों ही कार्ड्स को जो है जे सी बी इंटरनेशनल नेटवर्क पर लॉन्च कर दिया गया है बोथ कार्ड सपोर्ट ग्लोबल एक्सेप्टेंस यानी कि आप जो है इंटरनेशनल पेमेंट्स इसमें कर सकते हैं क्रॉस कंट्री पेमेंट्स आपको जो है अवेल हैं बहुत इजी एंड प्रीमियम वेरिएंट्स ऑफ बीओबी क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन लॉन्च्ड ऑन द जेसीबी इंटरनेशनल दोनों ही जो कार्ड्स हैं अगेन उसी को रिपीट किया गया है उनको जो है जे नेटवर्क पर लॉन्च कर दिया गया है चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हुयद मुस्ताक मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल्स जी हाँ सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी का फाइनल किस राज्य ने जीता एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु जी हाँ तमिलनाडु ने इस वर्ष जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल्स को जीत लिया है कर्नाटका को हरा कर एंड इन क्रिकेट तमिलनाडु हैज लिफ्टेड द सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी डिफीटिंग कर्नाटका आफ्टर चेजिंग वन फिफ्टी टू जी हाँ एक सौ बावन रन का इन्हें लक्ष्य मिला था जिन्होंने इन्हें बड़े ही आसानी हाँ, से हासिल किया एंड बैट्समैन एम शाहरुख खान स्मैश्ड ड्रामेटिक लास्ट बॉल सिक्स टू हेल्प तमिलनाडु डिफेंड द टी ट्वेंटी टाइटल विथ थ्रिलिंग फोर विकेट्स विन इन दमिट क्लैश इन अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली जी हाँ अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में जो है ये मैच हुआ था जो फाइनल मैच था कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जिसने तमिलनाडु ने जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ 2025 एशियन यूथ पैरा ओलंपिक्स विल बी होस्टेड बाय विच नेशन जी हाँ दो के एशिया यूथ पैरा गेम्स जो है किस देश के द्वारा जो है यहाँ पे होस्ट किए जाएंगे एंड करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स अगेन ए उज्बेकिस्तान जी हाँ उजबेकिस्तान के द्वारा जो है 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स को जो है होस्ट किया जाएगा एंड द फिफ्थ एडिशन ऑफ एशिया जो ये फिफ्थ एडिशन है यानी पाँचवीं बार जो है ये गेम्स जो है होने जा रहे हैं 2025 में एंड दिस विल बी होस्टेड कि कैपिटल है उज्बेकिस्तान की वहाँ जो है ये पैरा ओलम्पिक्स गेम्स 2025 में होने वाले हैं एंड द अप्रूवल गिवन बाय एशियन पैरा ओलम्पिक कमेटी एपीसी ने जो है इसको अप्रूव कर दिया है इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं एक बार फिर से यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यू पी एस सी एच ए एस एलाइड सर्विस एस एस सी एंड फील द रियल डिफरेंस ऑफ टिल देन थैंक यू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू